हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, ये जो मैंने चार्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का आपके लिए बनाया है, ये सबसे आसान चार्ट है। एक तरीके से टेबल नजर आ रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझने के लिए। और कैसे, ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है? स्टार्ट करें। चलिए बोलिए। इज वॉज आर वर वॉज had been, were, had been, do, did, had, plus third form। अब देखो थोड़ा यहाँ पर रुकते हैं, ध्यान देना ये मैंने क्या बनाया है। मान लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई डायरेक्ट स्पीच में, कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आई तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में सेकेंड फॉर्म ले लेती है। तो अगर डू हटा दूं मैं और मैं यहां पर लिखूं ईट, तो सेकेंड फॉर्म क्या होगा? एट। बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां लिख दूं गो, तो सेकेंड फॉर्म क्या होगा? इसी तरीके से अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है डायरेक्ट स्पीच में, तो वो यहां पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म लेगी, मतलब पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म। डिड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? Done. तो हैड प्लस मतलब हैड डन होगा। आगे चलिए। हैज हैड Have, had, थोड़ा तेज, had, no change, सब लोग को बोलना पड़ेगा, had, no change, had been, no change, can, could, will, would, may, might, shall, should, tomorrow, the next day, or the following day, yesterday, the previous day, or the day before, tonight, that night, today, that day, I, he, she, me, him, her, he, no change, his, no change, him, no change, her, no change, you, he, she, here, there, ago, before, now, then, this, that, no change।